कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। भाई बॉलीवुड यहाँ पे काफी पॉपुलर है, भाई काफी पॉपुलर है भाई। ये तो मुझसे यार बकचोद निकले यार, इतना तो मैं भी रहा। Será muy egoísta desearte el mal. Yeah, conmigo a la buena y la mala pa' él. Yeah, yeah. So I guess welcome back to my channel. Right now I am in New Delhi और पीछे काफी सारा खाली एयरपोर्ट है बिल्कुल आज, पता नहीं फॉर सम रीजन। बाकी वी आर स्टार्टिंग अ न्यू ट्रैवल सीरीज एंड आई एम फ्लाइंग टू उज़्बेकिस्तान। तो फिलहाल अभी अलमाटी में तुम्हारा भाई का था 18 घंटे का लेओवर, तो यहाँ पे मुझे मिले हैं भाई। You're from Jordan? Yes, I'm from Jordan. I'm studying here medical. You're studying medical here? Yes. Hello guys, how are you? भाई ये सारे भाई हैं जॉर्डन से एंड दे आर ऑल स्टडिंग हियर मेडिकल। सलाम अलैकुम। Tell them something more about Jordan, like which people don't know. Romanian and they are really friendly with the foreign visitors, you know. So basically you're telling that Jordan has like the best hospitality as well, so people should visit Jordan for the already hospitality. It's our pleasure to invite you, inshallah. तो भाई इसी के साथ तुम्हारे भाई का आगमन हो चुका है उज़्बेकिस्तान में, और अब सबसे पहला काम जो यहाँ पे कर रहा है वो है कैश निकालना, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर को पे करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ न्यू ग्लोबल का कार्ड। ये इसका कैसे प्रोसेस है वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले कैश विड्रॉ करते हैं। तो भाई ऑफकोर्स यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो तो आती नहीं। एंटर पिन, पिन तो दिखा नहीं सकता। 50,000 निकलवा देता हूँ। ओए होए, इसी के साथ यहाँ पे आते हैं करारे करारे उज़्बेकी सुमोनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कुछ ऐसे दिखते हैं उज़्बेकी सुमोनी। यहाँ पे पहले हम अपना कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे फ्लाइट के अंदर मैंने फ्रेंड में आया था, ही इज़ फ्रॉम उज़्बेकिस्तान ओनली। सो हे, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ आंद्रे। आंद्रे, आंद्रे पार्क। एंड यू स्टडी इन कोरिया? Nope, I worked here. Oh, you worked there. Okay, okay, okay. And he's helping me to book the cab. Yandex. Yandex, right? Yep. Yandex is the cheapest one if you ever come to Tashkent, Uzbekistan. Barricade, barricade. Yeah, yeah. Okay, okay. Nice. Okay, man. It was really nice meeting Andre. Thank you for helping me. Good luck. Have a nice travel. You too, man. You too. Bye. Bye-bye. Thank After you. 1 minute. One minute's come. Yeah, you're okay, gonna hurry up. Okay. भाई इसी के साथ तुम्हारा भाई आ चुका है एयरपोर्ट के बाहर। ये है कुछ ताशकंद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जितना मुझे लोगों ने बताया कि सामने सारे टैक्सी वाले आएंगे, जो हर बार टूरिस्ट के साथ होता है, दे विल ट्राई टू ग्रैब यू एंड देन विल फोर्स यू टू गो अपने प्राइस से। बट यहाँ पे जो लोग अच्छे थे उन्होंने मेरी ऑलरेडी टैक्सी यांडेक्स ऐप से बुक की है, तो आई हैव टू पे देम 17,000 सुमोनी। अब वो इंडिया में कैलकुलेशन में यहाँ पर डाल दूंगा। बाकी अब मुझे टैक्सी ढूंढना मेन मेरा काम रहेगा, बाकी टैक्सी बुक हो गई है। 17,000 सुमोनी इज अ प्रीटी अ गुड प्राइस। टू मच, कम ऑन, टू मच। 1 lakh सुमोनी, 1 lakh, टू मच। व्हाट? यांडेक्स, यांडेक्स टू लो, यांडेक्स प्राइस टू लो। 1 lakh, टू मच। नो, 1 lakh। नो, यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। 10,000। व्हाट? 10,000? 80,000. Ah, 80,000 too much. Too much. 60,000. 60,000 too much. Nice. Spin no. Spin no. Okay, 50,000. Okay. 50,000 too much. Yandex. Ah. Yandex. Okay, brat. 50,000 too much. No. 40,000. Okay. You. 40,000 too much. Yandex. 15,000. No, much. You're 40,000. No. Yandex. Okay. You say. तो भाई ये एक दो मिनट का ड्रामा करने का मतलब तो यही था कि ऑलवेज बुक फ्रॉम दी ऐप। यहाँ पे पहले 1 lakh से स्टार्ट हुए, फिर 60,000 रुपये आए, फिर लास्ट 40,000 में वो बंदा मान रहा था, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ऐप से 17,000 रुपये में। ये आई थिंक मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले ये वाली वीडियो तो मैं करता ही करता हूँ कि एयरपोर्ट के जस्ट बाहर आके वेयर कैसे तुम्हें अपने हॉस्टल या होटल पहुँचना चाहिए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। प्रिवियत, वेरी गुड। तो भाई फिलहाल अभी यहाँ पे हमने कर ली है यांडेक्स टैक्सी। जो इससे पहले वाली जो बुक की थी वो 17,000 सुमोनी की थी, वो उस बंदे ने कैंसिल कर दी थी। तो यहाँ पे एक लेडी थी, इसने काफ़ी हेल्प की और 14,000 सुमोनी के अंदर बुक किया, मतलब वो इंडिया के 100 रुपये के आसपास हुआ। बाकी फिलहाल दिस इज़ ताशकंद उज़्बेकिस्तान फॉर यू।
Chevrolet. Everywhere Chevrolet. तो भाई यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ सारी Chevrolet की हैं. Chevrolet. इसी के साथ स्टार्ट होता है तुम्हारे भाई का पहला दिन उज़्बेकिस्तान में. बाकी फ़िलहाल अभी मैं खड़ा हूँ ताशकंद के अंदर. कि जहाँ तक इसके वीज़ा की बात है भाई, वीज़ा उज़्बेकिस्तान का लेना इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट ईजीएस्ट वीज़ा एवर. यहाँ पे तुम्हें लिंक इन बायो होगा, उसमें उज़्बेकिस्तान का वीज़ा, तुम ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. मुझे जब मैंने अप्लाई किया था विद इन 48 आवर्स मुझे आराम से मिल गया था वीज़ा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वहाँ जहाँ तक इंडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी की बात है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इमिग्रेशन था. कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा. बाकी इससे पहले जहाँ मैं ट्रैवल किया उसमें थोड़ा सा वो ऐसे देखते हैं या कुछ थोड़ा बहुत वो लुक देते हैं, कुछ करते हैं, बट इस बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था इमिग्रेशन इसका. सीधा देखा, पासपोर्ट स्टैंप मारी, एंड यू आर गुड टू गो. बाकी मेरा जो पहला दिन है उसमें जो मेरा मेन काम रहेगा वो ये रहेगा कि पहले मुझे सिम कार्ड लेना है और थोड़ा बहुत कैश एक्सचेंज करवाऊँगा. बाकी देखो भाई आगे क्या होता है, व्हाट द डे हैज़ इन स्टोर फॉर मी, तो पता चल ही जाएगा. ये नहीं पता बैंक कहाँ पे है. बैंक आई थिंक उन्होंने यहाँ बोला था. ब्रात बैंक देर ग्रीन. ओके स्पसीबा. थोड़ी बहुत भाई तुम्हारे भाई को रुस्की आती है, स्पसीबा मतलब थैंक यू रशियन में. तजिकिस्तान में भाई मैं था 60 दिन, मतलब 50 दिन था, तो उसमें थोड़ी बहुत मैंने रुस्की सीखी थी. बट अब मेरे साथ यहाँ पे बताऊँ क्या हो रहा है, सही बात बताऊँ, थोड़ी सी रशियन बोल रहा हूँ, थोड़ी सी ताजिक बोल रहा हूँ, और थोड़ी थोड़ी स्पेनिश भी बोल रहा हूँ भाई. सब मिक्स हो चुका है यहाँ पे, जो सीखा है ना वो सब मिक्स हो चुका है. बट अभी धीरे धीरे करके यहाँ की भाषा भी सीखेंगे भाई, उज़्बेक भी सीखेंगे. थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है भाई, जहाँ जाओ वहाँ पे थोड़ी बहुत भाषा सीखते रहो तो थोड़ा तुम्हारे अंदर एक फ्लेवर ऐड होता रहता है, सही रहता है. बाकी आई थिंक दिस इज़ द बैंक. और यहाँ की जो करेंसी है भाई वो उज़्बेक सोम है, जैसे तजिकिस्तान में सुमोनी थी, यहाँ पे सोम है. और 1 इंडियन रुपीज़ 142 के बराबर होता है यहाँ पे, just in case you didn't know that. Baki, I think this is the bank. काफ़ी सही लग रहा है भाई, काफ़ी. बाकी भाई साफ़ कितना है भाई, देखो साफ़ सफाई. और मैंने लास्ट टाइम जब बोला था कि भाई तजिकिस्तान में कि इंडिया इतना साफ़ नहीं है, तो बहुत गालियाँ पड़ी थी मुझे, तो यहाँ पर तो नहीं बोलूँगा भाई. बट तुम देख लो यार, काफ़ी साफ़ है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ है. बाकी आई थिंक चलते हैं बैंक के अंदर, बहुत बातें कर रहा हूँ मैं. हामखोर बैंक, लेट्स गो. तो भाई इसी के साथ तुम्हारे भाई ने एक्सचेंज करवा लिए हैं $100. हाय फ्रॉम उज़्बेकिस्तान. भाई भाई मुझे हेल्प कर रहे हैं वो बी लाइन का सिम कार्ड ढूंढने में. सो रूस की मशीन है, इट्स मर्सिडीज. ओ मर्सिडीज, जर्मनी. तो भाई यहां से अभी बैंक से तो पैसे निकाल लिए यहां पे हामखोर बैंक से. अब मैं जा रहा हूँ बी लाइन का सिम लेने. बाकी यहाँ पे जहाँ तक टैक्सी की बात है, टैक्सी बहुत सस्ती है. 5-6 किलोमीटर के लिए यहाँ पे लगते हैं कुछ 60-70 रुपये. तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो सोचा मैंने क्यों ना टैक्सी ले ली जाए. अभी ये मुझे टैक्सी के देने हैं 11,000 सोम, एंड 11,000 सोम कुछ पड़ेंगे इंडिया के, 60-70 रुपये पड़ेंगे, और 4-5 किलोमीटर दूर जगह है. बाकी अभी जाके सिम कार्ड लेंगे. तो भाई यहाँ पे जो हमारे जो कैब ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं 65 यादुष्का. बाबुष्का मतलब ग्रैंड मदर, एंड यादुष्का मतलब ओल्ड मैन यादुष्का. भाई अगर कोई गलती हो तो भाई माफ़ कर देना, हम सीख ही रहे हैं भाई. पारुष की चुचुत, सो वी आर लर्निंग. फिलहाल अभी जिस टैक्सी से मैं आया था उसने जो ड्रॉप कर दिया बी लाइन के ऑफिस के बाहर. मतलब मैं लोकल से पूछ रहा था कि मुझे सिम कार्ड चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल उनके कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर आकर छोड़ दिया भाई. मतलब ये ऐसे समझो कि तुम्हें सिम कार्ड लेना है और कोई तुम्हें सीधा एयरटेल के हेड ऑफिस के बाहर छोड़ दे. वो समझ नहीं पाया, वो कम्युनिकेशन गैप हो गया. बाकी आई थिंक हेड ऑफिस में आए हैं तो सिम कार्ड तो मिल ही जाएगा.
Token. I wait. Okay. तो ये है कुछ B-line का ऑफिस. देखते हैं अगर रेट मैच होगा तो ही लूँगा यार. जरूर थोड़ा ये लेना. I like this system. जहाँ पे you have to wait. Token लेके मतलब सही system है ये. भीड़ भाड़ नहीं है. 75 GB डेटा मिल रहा था कुछ 1,10,000 रुपये का, विच इज़ लाइक 600-700 इंडियन रुपये. बट मुझे वही उस मोबाइल में मिल रहा था आराम से, इसी प्राइस में अनलिमिटेड डेटा मिल रहा था. तो भाई ऑफकोर्स आई विल गो फॉर द अनलिमिटेड डेटा, क्योंकि अपना तो काम यही है ना, इंटरनेट पे स्टोरीज अपलोड करना, या कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो व्लॉग भी अपलोड कर सकता हूँ. बाकी फ़िलहाल देखते हैं अभी उस मोबाइल जाएंगे. बाकी जो भाई था यार, उसने हेल्प करने की तो कोशिश की थी, बी लाइन के सीधा उसने ऑफिस ही भेज दिया, ज़रूरत वैसे नहीं थी इसकी. नाउ अब यहाँ पे ये बताऊँ, जैसे ये वाला जो एरिया है, ऐसे समझो जैसे तुम्हारा कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे कुछ सीपी टाइप्स एरिया है, ये सीपी सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे सारी बैंक की बिल्डिंग्स हैं. अब आ गए इतनी दूर, तो सोचा है थोड़ा इसी को एक्सप्लोर करते हैं, वापस क्या ही जाएँ. बाकी ये टिपिकल पार्किंग तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सारी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसमें से देखो शेवरलेट उज़्बेक All Chevrolet. Only Chevrolet. Only Chevrolet. What? Chevrolet made in Uzbekistan. Yes. Okay. Chevrolet. You also have Chevrolet? Yes, Chevrolet. Okay. Good car. Chevrolet. Amazing. Okay. YouTube vlogger, so internet. Yes. Yeah. Okay, brat. Okay. blue Chevrolet. ब्लू शेवरलेट मतलब लॉन्ग लिव शेवरलेट. भाई पॉइंट बिंग, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ शेवरलेट की ही हैं. बाकी फ़िलहाल अभी कुछ दिन के बज रहे हैं 12, थोड़ी गर्मी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, मतलब कुछ टेम्परेचर अभी यहाँ पे है 36 के आसपास है. बाकी ये है यहाँ का एक टिपिकल बस स्टेशन. अभी मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, देखते हैं अब जो नेक्स्ट बस आएगी उस पर चढ़ जाएंगे, देखते हैं कहाँ लेके जाएगी हमें. थोड़ा बहुत सिटी को ऐसे अपने आप से थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ. बाकी सो आई गो देयर. ओके. स्पसीबा. तो भाई यहाँ पे वो कह रही हैं कि आगे जाके काफ़ी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे जाके देखो. तो चलते हैं भाई, अपना तो काम ही यही है घूमना. भाई ये बड़ी सही सी बिल्डिंग लग रही है, ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है. हाँ आई थिंक इट्स अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, क्योंकि ऊपर देखोगे तो वहाँ पे लहरा रहा है झंडा. तो भाई फिलहाल अभी यहाँ पे हम घूम रहे थे, और अभी हम आ चुके हैं होटल उज़्बेकिस्तान. One of the oldest hotel in Uzbekistan. It was building when Russians, how can I say? Oh, in Soviet area. In Soviet area. Yes, in USSR. Okay. Yeah. भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो होटल उज़्बेकिस्तान है ये बना था सोवियत एरा में. बाकी वहाँ के इंडिया का झंडा दिख रहा है मुझे. इंडिया फ्लैग. इंडिया फ्लैग. Yeah. वहाँ पे. You are from India? India. Oh, Jimmy, I just know that disco dancer. Oh, yeah. It isn't popular for us. Most popular man, it's Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. You know about him? Of course. Okay. Everyone know about him. Mahatma Gandhi. Okay. भाई होटल उज़्बेकिस्तान के अंदर जाता हुआ मैं कुनाल शुद. तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 17वीं फ्लोर पे होटल उज़्बेकिस्तान की. यहाँ पे भाई कह रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट है. Oh, this is the view. Fuck. This is damn, and that is the statue of Amir Timur. Amir Timur. Yeah, district. Okay, this is the center. This is the center. Yeah. Okay, just apne yahan pe by CP hai, Connaught Place, Delhi ke andar hai. So ye yahan ka center hai. Beech mein Amir Timur ka statue hai, but of course yahan se dikh nahi raha hoga. Baki kafi sexy view hai. Do you want grab some? Beer? Simpson? No. I don't drink. You don't drink? Haram. Yes. Okay. Islam में हराम होता है पीना. और बाकी यहाँ पे मैंने जो मेन्यू चेक किया, मुझे था कि अगर इतना अच्छा व्यू दे रहे हैं तो बहुत महंगा होगा, और होटल उज़्बेकिस्तान सोवियत टाइम से बना हुआ है. तो यहाँ का ये तो था बार, और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट. एंड अभी फ़िलहाल खाली है, क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे. शाकरीज़ादा. अभी मैं कुछ खा नहीं रहा भाई यहाँ पे. प्राइसेस आर प्रीटी चीप यहाँ पे. सपोज जैसे कोई भी तुम रैंडम उठा के देखोगे, लेमन 10,000 सोम का है. चिकन, जैसे चिकन फिले फिश जो है ये कुछ 30,000, तो मतलब वो इंडिया के कुछ 209-210 रुपये हुए. मतलब काफ़ी रीजनेबल प्राइस है.
अभी तो फिलहाल यहाँ पे नहीं खाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई बंदा ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है। शाम को आऊँगा जब भरा हुआ होगा। दस विदानिया। सो होटल उज़्बेकिस्तान की तुम 17वीं फ्लोर पर ज़रूर आना, 17th फ्लोर ऑफ होटल उज़्बेकिस्तान, ये नोट करके रख लो, जब भी उज़्बेकिस्तान आओ इस होटल में ज़रूर आना है। करना पड़ता है भाई वाले व्लॉगिंग में ये सब काम करने पड़ते हैं, तो ऐसे अफोर्ड नहीं होना। तो भाई फिलहाल अभी मैं यहाँ पे पार्क में आया था और यहाँ पे मुझे सारे यहाँ के बच्चे मिले हैं जो कॉलेज में हैं। यू गाइस आर स्टडिंग इन कॉलेज यूनिवर्सिटी This year we finish it our university. Oh! So we take photos. Oh, okay. Even I graduated like 1 month back. 1 month back? Me? Yeah. Law student, law. Namaste! Your name? What is your Kunal, name? Kunal. Yeah. My name is Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali? Oh, the boxer. Yeah, Muhammad Ali. Muhammad Ali. भाई पीछे इन सबका फोटो शूट चल रहा है क्योंकि ये कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। हम भी भाई एक महीने पहले ग्रेजुएट हुए हैं, जिनको नहीं पता सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे से मैंने लॉ किया है। बाकी अच्छा लग रहा है यार, आई कुड रिलेट कि इनका भी कॉलेज ख़त्म हो रहा है, तो सारे वही दोस्त वो सारे पिक्चर विक्चर खिंचवा रहे हैं। बाकी ये है अमूर तली का, अमूर तैमूर का बड़ा फेमस स्टैचू, एंड दैट इज होटल उज़्बेकिस्तान स्कूल का। हे हिंदुस्तान, सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान इंसान, ओके दे वांट टू गेट अ पिक्चर, फोटो। कम ब्रात, कम भाई। 5000 सोम की पड़ी है बॉटल, यहाँ पे 11000 रुपये वापस करते हुए। व्हाट इज योर नेम? सोखू। यू नो इंग्लिश? या। रूसकी? या। उज़्बेकी? स्पसीबा। बाय। देखो भाई यहाँ पे भी टिपिकल इनकी ग्रेजुएशन की फोटो शूट चल रहा है। यहाँ पे जो लौंडे हैं देखो वहाँ पे खड़े हैं आराम से, और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो अपना पूरा मतलब दे प्री इन्वेस्टेड इन द फोटो शूट। बाकी यहाँ पे लौंडे देखो, आई एम सेइंग ब्रैट्स आर चिल, ब्रैट नो फोटो, आपा फोटो ओनली फोटो। तो भाई यहाँ पे सीन कुछ ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, यहाँ पे लोग पानी में चल चल के वहाँ तक पहुँचे हैं। And actually it's turning out to be a good day भाई। मैं मतलब गलती से पहुंचा था वहाँ पे सिम कार्ड के बहाने, बट यहाँ पे चलने लग गया, तो मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब यहाँ पे अगर वहाँ से आता ना तो फिर ये सब लोग ना मिलते, फिर पानी वानी में भाई ये तो मुझसे यार बकचोद निकले यार, इतना तो मैं भी पानी फेंक रहे हैं भाई यार। वैसे सही होता तो गर्मी बहुत है, गर्मी इतनी है कि मेरा ही मन कर रहा है अंदर जाने का, बट क्या अगर यहाँ पे एक बार भीग गया फिर वापस हॉस्टल जाके चेंज करना पड़ेगा। बाकी भाई दे आर हैविंग टाइम ऑफ देयर लाइफ। मोहम्मद यू ऑल्सो गो इन? व्हाई? भाई के भाई पैसे गिले हो गए, भाई ऐसे चला गया अंदर मजे में। Nice. भाई बॉलीवुड यहाँ पे काफी पॉपुलर है, भाई काफी पॉपुलर है। अलविदा उज़्बेक? या ओके उज़्बेक, अलविदा हिंदी अलविदा अलविदा दस विदानिया। Amir Khan? Good? Yes. Chak de saragam. Usha kim aytgan? Oh damn. It's a famous song. Chak de saragam. Yeah, nice. Usha kim aytgan? Kim aytgan? He asked whose song is this? Anoitmaganmi? Chak de. Salam namaste de oynay. Salam namaste. Chak de. Chak de saragam. Chak de. मेरे सन खखम। बॉलीवुड देखो भाई, इंडिया में तो मैं इतना नहीं दिखता। आशवारा राय? गुड आशवारा राय। रानी मुखर्जी? रानी मुखर्जी आशवारा राय। यू लाइक रानी मुखर्जी? He तो loves Ashwara Rai. Yeah, good. तो भाई अगर वीडियो के इस पार्ट तक तुम पहुंचे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पक्का पसंद आई है, तो जरूर अपना एक लाइक छोड़ के जाना, उससे वीडियो को अच्छी रीच मिलती है। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी इस तरह से उज़्बेकिस्तान सीरीज के ब्लॉग जल्द के जल्द आते रहेंगे। बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।